देखिए, झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। उन्होंने ना सिर्फ मुख्यमंत्री का पद प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया, बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए। दूसरा, हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें 191(9) के तहत इसकी सदस्यता और डिबार, दूसरा पीसी एक्ट। तो मेरी महामहिम से अनुरोध होगा, अरे महामहिम ग्रुप को अधिकार, इसमें किसी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महामहिम अविलंब इस पर पीसी एक्ट केस करके माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट का भी केस लागू हो, क्योंकि ये स्वयं अपने भी भ्रष्टाचार किए और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का काम किया। तो पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसलिए पीसी एक्ट भी इस पर अविलंब लागू हो। सर एक